स्वागत है एग्जाम टुडे पर फ्रेंड लाइन आविया छे 2023 ना मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार एवोर्ड्स जीके नो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। तो मित्रों छेले सुधी वीडियो साथे बनी रहेजो, खास करने तलाटी वन रक्षक पुलिस माटे खूब खूब इम्पोर्टेंट वीडियो रहेशे। वर्ष 2022-23 ना जेटला पण मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार एवोर्ड्स मळ्या छे एनी पूरी माहिती आ वीडियो में आपणे लेवाना छे। तो मित्रों टाइम नहीं बगाड़िए, टॉपिक पर आईए। पुरस्कार एवोर्ड्स जीके 2023 पहलू छे टाइम मेगेजीन पर्सन ऑफ द ईयर कोण बनिया छे हाल में। तो मित्रों टाइम मेगेजीन पर्सन ऑफ द ईयर ए व्लादिमीर जेलेंस्की बनिया छे अने द स्प्रिट ऑफ यूक्रेन, बराबर, एटले के यूक्रेन ना पीपल अने यूक्रेन ना राष्ट्रपति ने टाइम मेगेजीन पर्सन ऑफ द ईयर थी हाल में सम्मानित करवामां आव्या। यूक्रेन ना लोकोए जे जुस्सो बताड्यो छे रशिया यूक्रेन युद्ध वच्चे, एना माटे आ एवोर्ड यूक्रेन ना लोकोने अने तेना प्रेसिडेंटने आपवामां आव्यो छे। नेक्स्टनी वात करिए तो फ्रांसना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डेला लेगियन डी होनूर 2023 थी कया भारतीय ने सम्मानित कराया। तो मित्रों फ्रांसनो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कयो छे, तो ये छे सेवेलियर डेला लेगियन डी होनूर, ने एनाथी हाल में किरण नाडर ने सम्मानित करवामां आव्या छे। खूब खूब इम्पोर्टेंट रहेशे आपणे एक्जामनी दृष्टिए। नेक्स्ट की बात करिए तो केरल ना सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति थी कोने सम्मानित कराया। तो केरल नो सर्वोच्च पुरस्कार कयो छे मित्रों, ये छे केरल ज्योति, हाल में एमटी वासुदेवन नायर, बराबर, एमने आ केरल ज्योति पुरस्कार थी सम्मानित कराया। नेक्स्ट की बात करिए तो टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा कोने लाइफ टाइम अचीवमेंट एवोर्ड थी सम्मानित कराया। तो टेक्सास यूनिवर्सिटी ए नवीन जिंदल, बराबर, भारतना उद्योगपति छे नवीन जिंदल, एमने लाइफ टाइम अचीवमेंट एवोर्ड थी सम्मानित कराया। नेक्स्ट की बात करिए तो विशेष साहित्यिक पुरस्कार 2023 थी कोने सम्मानित कराया। तो राइट आंसर छे मित्रों बंग बंधु शेख मजीबुर रहमान ने विशेष साहित्यिक पुरस्कार 2023 थी सम्मानित कराया। मित्रों कोईपण एक्जाम में 1-2 प्रश्नों पूछवामां आवे छे एवोर्ड्सना। नेक्स्ट की बात करिए तो गणितना क्षेत्रनो सौथी प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023, बराबर, एबेल पुरस्कार 2023 थी कोने सम्मानित कराया। तो लुईस केफ्रेली, अर्जेंटीनाना मैथमेटिशियन छे लुईस केफ्रेली, गणितना क्षेत्रनो सौथी प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार होय छे एनाथी सम्मानित कराया छे। विद्यार्थी मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन छे, हालमां 32मां सरस्वती सम्मान 2022 थी कोने सम्मानित कराया छे। तो सरस्वती सम्मान आ वक्त केटलामो हतो मित्रों, 32मो हतो, बराबर, अने एने शिवशंकरी, बराबर, शिवशंकरी ने हाल में सम्मानित करवामां आव्या सरस्वती सम्मान 2022 थी। एमनी पुस्तकनुं नाम खास याद राखजो मित्रों, सूर्यवंशम, बराबर, पुस्तकनुं नाम छे सूर्यवंशम। शुं नाम छे? सूर्यवंशम पुस्तकनुं नाम छे, आ तमारे खास याद राखवानुं छे। नेक्स्टनी वात करिए तो ओस्कर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेतानो एवोर्ड कोने मळ्यो। तो मित्रों राइट आंसर थशे आमां ब्रेंडन फ्रेजर, बराबर, ब्रेंडन फ्रेजर ने ओस्कर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेतानो एवोर्ड मळ्यो अने श्रेष्ठ अभिनेत्री बनी छे मिशेल यो। फ्रेंड्स खास करीने तलाटी माटे एक्जाम टुडेनो लेटेस्ट एक वर्षनुं करंट अफेर्स साथे नेशनल गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, T20 वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, ओलंपिक, पेराओलंपिक, कोविड, IPL, GITEC, बदलेला नाम, भारत गुजरातना वर्तमान पदाधिकारी, पुस्तक लेखक कंपनी CEO, ब्रांड एम्बेसेडर, एवोर्ड्स जीके नी आ PDF पण आवशे, स्पोर्ट्स जीके जेवी टोटल 36 करंट अफेर्स की PDF, 10,000 प्रश्नों। तो PDF माटे मात्र 250 रुपया, 9510411961 पर गूगल पे, फोनपे, पेटीएम कहीं पण करो, स्क्रीनशॉट मोकली आपो, 2 मिनट में PDF मिली जशे। नेक्स्ट 32मां व्यास सम्मान 2022 थी कोने सम्मानित कराया। तो राइट आंसर छे मित्रों डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने, बराबर, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने 32मां व्यास पुरस्कार थी सम्मानित करवामां आव्या छे। उपन्यास पागलखाना माटे आ एवोर्ड एमने मळ्यो छे। नेक्स्ट हाल में अमित शाहे कया राज्य की पुलिस ने प्रेसिडेंट कलर्स एवोर्ड थी सम्मानित कराया। तो राइट आंसर है मित्रों हरियाणा, अमित शाहे हरियाणा राज्य की पुलिस ने प्रेसिडेंट कलर एवोर्ड थी हाल में सम्मानित कराया। नेक्स्ट वर्ष 2023 में कुल कितना लोगों ने पद्म पुरस्कार थी सम्मानित कराया। तो मित्रों 106 लोगों ने, बराबर, पद्म पुरस्कार वीडियो आपणे ऑलरेडी अपलोड कर दीधो छे, तमे यूट्यूब पर जाइने सर्च कर लेजो पद्म पुरस्कार इन गुजराती, तमने वीडियो मिली जशे, पूरा पद्म पुरस्कार नी वीडियो में माहिती आपणे आपेली छे। तो 2023 में 106 लोगों ने पद्म पुरस्कार थी सम्मानित कराया। नेक्स्ट हाल में मिस यूनिवर्स 2022 नो खिताब कोणे जीत्यो। तो फ्रेंड राइट आंसर छे मित्रों आर बोनी गेब्रियल, बराबर, आर बोनी गेब्रियल जे छे USA नी छे, मिस यूनिवर्स 2022 नो एने खिताब जीत्यो। भारत तरफथी दिविता राये मां भाग लीधो हतो। एना पछी दुनियानो सौथी प्रतिष्ठित नोबल शांति पुरस्कार 2022 कोणे जीत्यो। तो मित्रों आ खूब खूब इम्पोर्टेंट प्रश्न छे, बराबर, दुनियानो सौथी प्रतिष्ठित होय छे नोबल पुरस्कार, LS बालिया तस्की बेलारूसना छे, मेमोरियल रशियन संगठन छे, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेननी संस्था छे, आ तमामने नोबल शांति पुरस्कार 2022 थी सम्मानित करवामां आव्या छे।
एना पछी प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 कोणे जीत्यो, तो प्रिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार नी वात थई मित्रो, डेविड चिपरफील्ड, बराबर, डेविड चिपरफील्ड जो यूके ना छे एमणे जीत्यो छे। हाल में मार्कोनी पुरस्कार 2023 कोने मळ्यो, तो हरि बालकृष्णन ने मळ्यो छे मार्कोनी पुरस्कार 2023। आरोग्य क्षेत्र में वुल्फ एवॉर्ड 2023 थी कोने सम्मानित कराया, तो मित्रों डेनियल ड्रकर, बराबर, डेनियल ड्रकर ने आरोग्य क्षेत्र में वुल्फ एवॉर्ड 2023 थी सम्मानित करवामां आव्या छे। नेक्स्ट, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 थी कोने सम्मानित कराया, तो एंजेला मर्केल राइट आंसर छे। एंजेला मर्केल जे जर्मनी नी छे ने यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 थी सम्मानित कराया। राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 थी कोने सम्मानित कराया, तो मित्रों राइट आंसर छे मित्रों एबीके प्रसाद, बराबर, एबीके प्रसाद ने राजा राममोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 थी सम्मानित कराया छे। नेक्स्ट, नाव यू ब्रीथ पुस्तक माटे गोल्डन बुक एवॉर्ड्स 2023 थी कोने सम्मानित कराया, तो राइट आंसर छे मित्रों राखी कपूर, बराबर, राखी कपूर ने गोल्डन बुक एवॉर्ड्स 2023 थी सम्मानित करवामां आव्या। बुक नुं नाम याद राखवानुं छे नाव यू ब्रीथ, खूब खूब इम्पोर्टेंट। आपण नेक्स्ट, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार कोने मळ्यो, तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मित्रों डॉक्टर पेगी मोहन ने मळ्यो छे, बराबर, डॉक्टर पेगी मोहन राइट आंसर थशे आमां। पुस्तक वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट माटे आ एवॉर्ड मळ्यो। नेक्स्ट, 74मा गणतंत्र दिवस परेडमां कया राज्यनी झांकीए पहेलो पुरस्कार जीत्यो, तो राइट आंसर छे मित्रों मानसखंड, बराबर, मानसखंड जे उत्तराखंडनी झांकी हती एणे 74मा गणतंत्र दिवस परेडमां झांकी में प्रथम पुरस्कार जीत्यो। एना पछी हिंदी भाषा में साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2022 कोने मळ्यो, तो बद्री नारायण ने तुमड़ी काव्य संग्रह माटे, बराबर, बद्री नारायण ने मळ्यो छे तुमड़ी काव्य संग्रह माटे। नेक्स्ट, साहित्य नो नोबेल पुरस्कार 2022 कोणे जीत्यो, तो राइट आंसर छे मित्रों आमां एनी एनोक्स जे फ्रांस नी छे एने साहित्य नो नोबेल पुरस्कार 2022 थी सम्मानित कराया। एना पछी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 थी कई अभिनेत्री ने सम्मानित कराई, तो राइट आंसर छे मित्रों आशा पारेख, आशा पारेख ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 थी सम्मानित कराई। मिसेज वर्ल्ड 2022 नो खिताब कोणे जीत्यो, तो मित्रों सरगम कौशल, सरगम कौशल यू जम्मू कश्मीर नी छे एमणे मिसेज वर्ल्ड 2022 नो खिताब जीती लीधुं छे। नेक्स्ट, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 थी कोने सम्मानित कराया, तो राइट आंसर छे मित्रों सीथिया रोसेन जवीक, बराबर, सीथिया रोसेन जवीक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 थी सम्मानित कराया। एना पछी हाल में कया राज्य जग्गा मिशन माटे यूएन हेबिटेट नो वर्ल्ड हेबिटेट पुरस्कार 2023 जीत्यो छे, तो राइट आंसर छे मित्रों ओडिशा, ओडिशा राज्य में आ जग्गा मिशन की शुरुआत करवामां आवी हती, बराबर, कया राज्य में, ओडिशा राज्य में करवामां आवी हती। खूब खूब इम्पोर्टेंट, एने यूएन हेबिटेट नो वर्ल्ड हेबिटेट पुरस्कार 2023 जीत्यो छे। नेक्स्ट की बात करिए तो हाल में ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट एवॉर्ड थी कोने सम्मानित कराया, तो मित्रों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, भारतना पूर्व वडाप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ब्रिटेन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट एवॉर्ड थी सम्मानित कराया। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 थी कोने सम्मानित कराया, तो शू है राइट आंसर मित्रों शरत कमल अचंता, बराबर, जो टेबल टेनिस खिलाड़ी है एमने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 थी सम्मानित कराया। नेक्स्ट की बात करिए तो वर्ल्ड ट्रावेल मार्ट में रिस्पोन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल एवॉर्ड 2022 क्या राज्य पर्यटन विभाग ने मिलो, तो राइट आंसर है मित्रों केरल, केरल राइट आंसर थे। प्रतिष्ठित टेम्पलटन पुरस्कार 2022 कोणे जीत्यो, तो मित्रों ये फ्रैंक विलजेके जीत्यो छे। नेक्स्ट, कई भारतीय लेखिकाए प्रथम वक्त हिंदी उपन्यास रेत समाधि एट्ले कि टॉम्ब ऑफ सेंड माटे आंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीत्यो, तो राइट आंसर है मित्रों गीतांजलि श्री, बराबर, गीतांजलि श्रीए। एना पछी उपन्यास काला पाणी माटे तमिलनो साहित्य एकेडमी पुरस्कार 2022 कोणे जीत्यो, तो ये जीत्यो छे एम रामचंद्रन, खूब खूब इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 कोणे जीत्यो, तो मित्रों युन किंग टेंग जे चीनना छे एमने प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 जीत्यो, मैथमेटिक्समां एवॉर्ड आपवामां आवे छे। नेक्स्ट, कया राज्ये बाजरानी खेती ने प्रोत्साहन आपवा माटे पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीत्यो छे, तो राइट आंसर छे मित्रों छत्तीसगढ़ राज्य, क्यों राज्य छे छत्तीसगढ़ राइट आंसर थशे। नेक्स्ट, बीजो वार्षिक आंतरराष्ट्रीय रेन्जर पुरस्कार 2022 क्या भारतीय नेशनल पार्के जीत्यो, तो मित्रों ओरंग नेशनल पार्क जो असम में आवेलू छे, बराबर, असम में आवेलू छे ओरंग नेशनल पार्क, एने बीजो वार्षिक आंतरराष्ट्रीय रेन्जर पुरस्कार 2022 मळ्यो। 76मा ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नो एवॉर्ड कोने मळ्यो, तो मित्रों ऑस्टिन बटलर, बराबर, एल्विस पिक्चर माटे,
ફિલ્મનું નામ યાદ રાખજો, એલ્વિસ ફિલ્મ માટે. 76મા બ્રિટિશ એકેડમી ફિલ્મ પુરસ્કાર, જેને બાપ્ટા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે, સર્વશ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો પુરસ્કાર એમણે જીત્યો છે. વન્યજીવ સંરક્ષણ પુરસ્કાર 2023થી કોને સન્માનિત કરાયા? તો મિત્રો આલિયા મીર, બરાબર. આલિયા મીર જમ્મુ કાશ્મીરની છે, એમને વન્યજીવ સંરક્ષણ પુરસ્કાર 2023થી સન્માનિત કરાયા. નેક્સ્ટ, કયા ભારતીય શહેરે સળંગ બીજી વખત ટી સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ 2022નો ખિતાબ જીત્યો? તો રાઇટ આન્સર છે મિત્રો મુંબઈ. મુંબઈ જે છે એણે બીજી વખત ટ્રી સિટી ઓફ ધ વર્લ્ડ 2022નો ખિતાબ જીત્યો. નેક્સ્ટ છે, WHO પાર્ટનરશીપ ફોર હેલ્ધી સિટીઝ એવોર્ડ 2023થી કયા ભારતીય શહેરને સન્માનિત કરાયા? તો મિત્રો રાઇટ આન્સર છે મિત્રો બેંગલુરુ. બેંગલુરુ શહેરને WHO પાર્ટનરશીપ ફોર હેલ્ધી સિટીઝ એવોર્ડ 2023થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. એના પછી મિસિઝ ઇન્ડિયા 2023નો ખિતાબ કોણે જીત્યો? તો રાઇટ આન્સર છે મિત્રો જ્યોતિ અરોડા, બરાબર. જ્યોતિ અરોડાએ મિસિઝ ઇન્ડિયા 2023નો ખિતાબ જીત્યો. નેક્સ્ટ, દાદાસાહેબ ફાલ્કે પુરસ્કાર 2023માં સર્વશ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો એવોર્ડ કોને મળ્યો? તો મિત્રો એ મળ્યો છે રણવીર કપૂરને, બરાબર. રણવીર કપૂરને બ્રહ્માસ્ત્ર ફિલ્મ માટે મળ્યો છે દાદાસાહેબ ફાલ્કે પુરસ્કાર 2023. શ્રેષ્ઠ અભિનેત્રીનો એવોર્ડ મળ્યો છે આલિયા ભટ્ટને ગંગુબાઈ માટે, ગંગુબાઈ કાઠિયાવાડી. અને ફિલ્મ ઓફ ધ યર બની છે RRR. આ તમે બે વખત IMP કરી દેજો, ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. એના પછી નેશનલ જિયોગ્રાફિક પિક્ચર્સ ઓફ ધ યર 2023નું પુરસ્કાર કોને મળ્યો? તો રાઇટ આન્સર છે મિત્રો કાર્તિક સુબ્રમણ્યમ, બરાબર. કાર્તિક સુબ્રમણ્યમને નેશનલ જિયોગ્રાફિક પિક્ચર્સ ઓફ ધ યર 2023નો પુરસ્કાર મળ્યો. ફોટો ડાન્સ ઓફ ઇગલ્સ માટે આ એવોર્ડ મળ્યો છે. એના પછી ઓસ્કર પુરસ્કાર 2023માં બેસ્ટ ઓરિજિનલ મૂળ સોંગનો પુરસ્કાર જીતવાવાળો ગીત કયો બન્યો? તો મિત્રો નાટુ નાટુ RRR ફિલ્મનો આ ગીત છે. નેક્સ્ટ, ભારતના કયા રાજ્યને સંસ્કૃતિ સર્વશ્રેષ્ઠ ગંતવ્ય માટે આંતરરાષ્ટ્રીય યાત્રા પુરસ્કાર 2023થી સન્માનિત કરાયો? તો રાઇટ આન્સર છે મિત્રો આમાં પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્યને, બરાબર. પશ્ચિમ બંગાળ રાજ્ય રાઇટ આન્સર થશે. પ્રાણવાયુ નામના લઘુકથાઓના સંગ્રહ માટે ઓડકુજલ પુરસ્કાર 2022 કોને મળ્યો? તો મિત્રો એ મળ્યો છે અંબિકા સુતન મંગળને, બરાબર. અંબિકા સુતન મંગળને પ્રાણવાયુ નામના લઘુકથાઓના સંગ્રહ માટે ઓડકુજલ પુરસ્કાર 2022 મળ્યો છે. પહેલા KR ગોરી અમ્મા રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર 2022થી કોને સન્માનિત કરાયા? તો ડૉક્ટર એલિડા ગ્વેરા રાઇટ આન્સર થશે આમાં. નેક્સ્ટ, BBC સ્પોર્ટ્સ પર્સનાલિટી ઓફ ધ યર 2022 પુરસ્કાર કયા ખેલાડીએ જીત્યો? તો રાઇટ આન્સર છે મિત્રોમાં બેથ મીટ, બરાબર. બેથ મીટ UKના છે, બરાબર. ફૂટબોલના ખેલાડી છે, એમને BBC સ્પોર્ટ્સ પર્સનાલિટી ઓફ ધ યર 2022 પુરસ્કાર મળ્યો. લક્ષ્મી ભંડાર યોજના માટે કયા રાજ્યએ પ્રતિષ્ઠિત સ્કોચ પુરસ્કાર 2022 જીત્યો છે? તો રાઇટ આન્સર છે મિત્રોમાં પશ્ચિમ બંગાળે. ખૂબ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ. કયા ભારતીય સેના પ્રમુખને પેરિસમાં ગાર્ડ ઓફ ઓનરથી સન્માનિત કરાયા? તો રાઇટ આન્સર છે મિત્રો થલ સેના અધ્યક્ષ જનરલ મનોજ પાંડે. ખૂબ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઉમ્મીદ કરું તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે, બરાબર. ખૂબ વધારે મહેનત કરીએ છીએ આવા વિડીયોમાં, 100 ટાઈમમાં તમને વધારે ઇન્ફોર્મેશન આપવાની પૂરી કોશિશ કરીએ છીએ. બીજા બધા ચેનલની જેમ આપણે બે બે કલાક વિડીયો ચલાવતા નથી. વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. PDF માટે 9510411961 પર કોન્ટેક્ટ કરો. થેન્ક યુ. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ.